दोस्तों, आप चाहे जितने भी अच्छी तरीके से ड्रेस्ड ही क्यों ना हो, आपके महंगे और अच्छे कपड़े और वेल ग्रूम्ड हेयर भी आपको तब नहीं बचा पाएंगे अगर आपके नाखून अच्छे से ट्रिम्ड नहीं है। ये नेल्स एक अच्छी डेट से लेकर बड़े बड़े इंटरव्यूज तक में आपका इम्प्रेशन बिगाड़ सकते हैं, और इसलिए इन्हें मेंटेन करना बेहद जरूरी है। पहले ये काम ब्लेड और सीजर्स की मदद से किया जाता था, और आज हमारे पास इसके लिए हाई क्वालिटी नेल कटर्स हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगियां काफी आसान बना दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में बनाना उतना सिंपल भी नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो कैसे होता है ये काम, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेल कटर्स को बनाने की शुरुआत की जाती है हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के साथ। स्टील की छोटी छोटी रॉड्स को पहले एक फर्नेस या भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, और जब ये मेटल सॉफ्ट हो जाता है तब इस पर हथौड़े से वार करते हुए इसे फ्लैट करते हुए शेप दी जाती है। इसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए कुछ देर यूं ही छोड़ दिया जाता है। अब ठंडे हो चुके स्टेनलेस स्टील पीसेस को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाई के हवाले कर दिया जाता है। 1 मीटर लंबी इस डाई में करीब 12 अलग अलग शेप्स की ओपनिंग्स हैं, और हाइड्रोलिक मशीनरी की मदद से इन्हें हर एक ओपनिंग से गुजारा जाता है हर स्टेप के साथ। ये थोड़ा ज्यादा एक नेल कटर जॉ के पार्ट की तरह दिखना शुरू हो जाता है। पहले स्टेप में जहाँ ये एक फ्लैट स्टेनलेस स्टील पीस होता है, वहीं आखिरी ओपनिंग से गुजरने के बाद इसकी अगली तरफ को मोड़कर कॉनकेव कर दिया जाता है, और साथ में आपको इसमें कई सारे होल्स और कट्स भी देखने को मिलते हैं। 1 मिनट में 80 स्ट्रोक्स के साथ ऐसे एक दर्जन नेल कटर जॉ बना लिए जाते हैं। इन पीसेस को अब एक वाइब्रेटिंग बकेट में एब्रेसिव स्टोन्स के साथ छोड़ दिया जाता है, जहां वाइब्रेशन की वजह से ये मेटल अगले 20 घंटे तक बार बार पत्थर पर घिसता है, जिससे ये पॉलिश हो जाते हैं और इनमें एक शाइन आ जाती है। अब अगले स्टेशन में एक वर्कर 2 क्लिपर जॉस के साथ असेंबल रन के लिए एक मैकेनिकल प्रेशर का यूज करता है। सबसे पहले एक रिवेट को इसके होल में डाला जाता है, और फिर इसे घुमाकर दूसरी तरफ से रिवेट के दूसरे हिस्से को इसमें लगा दिया जाता है। अब मैकेनिकल प्रेस की मदद से इस पर फोर्स लगाकर इसे टाइटली सील कर दिया जाता है, और जॉस के दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। जिस एंड पर ये हो रहा है उसे ग्रिपिंग एंड भी कहते हैं। ये काम होने के बाद एक वर्कर इस ग्रिपिंग एंड को पकड़कर एक मशीन पर घिसता है ताकि स्मूथ हो जाए और किसी को गलती से ना चुभे। अब ग्रिपिंग एंड पर काम होने के बाद कटर के दूसरे एंड पर काम शुरू होता है, जिसे कटिंग एंड कहते हैं। कटिंग एंड को एक एब्रेसिव व्हील पर घिसकर उसे पैना किया जाता है। अब बारी है इन पर एक लीवर लगाने की। लीवर को लगाने से पहले उसे भी प्रिपेयर किया जाता है। लीवर को एक प्रेस की मदद से तैयार करते हुए वर्कर इसमें एक होल करता है, और फिर एक कट लगा देता है। अब ये एक फॉग की तरह नजर आने लगता है। इसके बाद इन्हें एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग इक्विपमेंट के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ से जब ये बाहर आता है तो इसकी दोनों साइड की तरफ एक होल बना दिया जाता है, जो आगे काम आएगा। अब नेल कटर के क्लिपर जॉस के कटिंग एंड्स की तरफ एक बोल्ट फिट किया जाता है, जिसमें एक छोटा सा होल होता है। इसके बाद अब लीवर की बारी आती है, जिसे बोल्ट के साथ जोड़ने के बाद एक पिन को इस लीवर के साइड होल्स में डाल दिया जाता है, जिससे ये अलग ना हो। अब ये लीवर पूरी तरह से फ्रीली मूव कर सकता है बिना क्लिपर जॉस से अलग हुए। वैसे तो अब हमारा नेल कटर लगभग बनकर तैयार है, लेकिन इस असेंबली प्रोसेस के कारण इसमें कई सारे ऑयल और धूल जमा हो गई है, जिसके लिए इसे साफ करना जरूरी है। इसे साफ करने के लिए एक क्लीनिंग टब में डाला जाता है, जिसमें पानी और साबुन का एक मिक्सचर बनाकर रखा गया है। साउंड वेव्स की मदद से ये पानी हमेशा हिलता रहता है और अच्छी तरह इन नेल कटर्स को क्लीन करता है, वैसे ही जैसे एक वॉशिंग मशीन करती है। जैसे ही ये नेल कटर्स यहाँ से बाहर आते हैं, इन्हें सुखा लिया जाता है, और इसके बाद एक वर्कर एसिड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की मदद से कंपनी का नाम और लोगो इसकी सरफेस पर प्रिंट कर देता है। अब अगले स्टेप में एक एम्प्लॉय दोबारा से इसके जॉस को पैना करता है। ये एक हाईली स्किल्ड काम है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इसे इतना ही शार्प करना होता है कि आपके सिर्फ नाखून इससे कट पाए और बाकी नुकसान ना हो। इस दौरान ये एम्प्लॉय बार बार इस कटर को
लाइट के सामने रख कर चेक भी करता है कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो। अलाइनमेंट और शार्पनेस जैसी चीजों को चेक करने के बाद एक कार्डबोर्ड शीट को इस नेल कटर से काट कर चेक किया जाता है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर ये चेक किया जाता है कि लीवर सही से लगा है या नहीं, जिसके लिए ये देखना जरूरी है कि अपनी रेस्ट स्टेट में वो अच्छे से नीचे बैठ जाए और बाकी वक्त ऊपर रहे, ताकि उसे दबाकर इतनी फोर्स लगाई जा सके कि नाखून कट जाए। इसके बाद अब ये प्रोडक्ट पूरी तरह से आपके यूज के लिए तैयार है और इसे आगे एक पैकेजिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है, जहां से पैक होने के बाद ये दुनिया भर में शिप कर दिया जाता है, और इस तरह हर हफ्ते आपके काम आने वाले ये नेल कटर फैक्ट्री में तैयार होते हैं। एक नेल कटर को बनाने के लिए करीब 11 लोग लगते हैं, और एक घंटे में ऐसे 100 से ज्यादा नेल कटर्स बनकर तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मामूली सा नेल कटर बनाने में भी इतनी मेहनत लगती होगी? अगर आप किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।